पर मुझे आपकी पंक्तियों से लगा कि ये मेरी प्रशंसा नहीं, मेरी शख्सियत का कत्ल करने की नापाक साजिश है। और इस गुस्ताखी पर मेरा भी जवाब सुन लीजिए। ये जो दोस्ती का फर्ज निभाया है तुमने, उसको हम याद रखेंगे। ये जो भरी महफिल में तारीखों से जलील किया है तुमने, उसको हम याद रखेंगे। अमूमन तो हम भूल जाया करते हैं दुश्मनों को भी, पर तुम्हारी दोस्ती का कर्ज अदा करना हम याद रखेंगे। और आपने बहुत इस प्यार मोहब्बत से कई बातें की हैं, पर मेरे हिसाब से आप सब इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स के बिना तो प्यार भी नहीं चलता है। तो हम पहले प्यार से पहले कुछ और जो उससे भी जरूरी बातें हैं उसकी बात करेंगे। आप में से कितने लोग नंबर 63 से परिचित हैं? जो लोग परिचित नहीं है वो परिचित हो सकते हैं। जैसा मैं आपको ये नंबर 63 था जो कैटलिस्ट साबित हुआ मुझे शेर और शायरी लिखने पर मजबूर किया। और इस इंक्रीमेंट के सीजन के बाद काफी इंटॉलरेंस का माहौल है, तो मैं कुछ शेर पेश करूंगा जो शायद आपके जख्मी दिल पर मलहम का काम करे। और अगर आप मेरे जज्बातों से इत्तेफाक करते हैं तो तालियों पे जरूर मुझे करने करेगा। अर्ज किया है, दोस्त कहते हैं मेरे हीराए कोहिनूर हूं मैं, दोस्त कहते हैं मेरे हीराए कोहिनूर हूं मैं, पर शायद मेरा मैनेजर अच्छा जौहरी ना हूं। क्या पता लोग झूठ बोलते ये नया नहीं है दौर, ये नया नहीं है दौर, गुजरा हूं इन मायूस रातों से कई बार मैं, कम बुलाने का साथी अब भी मैं खाना ही है, पर इन लबों पर जाम लगाने वाला वो साथी नहीं। उसी लाइन पर उसी तर्ज पर पेश करता हूँ। काम करना है काम मेरा, काम मैं अपना करूँ, क्यों उनको गलत फहमी है कि मेरी कहानी लिखेंगे, क्या बनाएगा कोई मुझे शहंशाह, मुकद्दर का सिकंदर मैं खुद बनूं। मेरी जो अगली पेशकश है वो शायद आपको उन बीते हुए पल या कुछ लोगों के लिए उनके करंट जो पल होंगे उनकी तरफ ले जाएगा, जो शायद आपने स्कूल कॉलेज या मेरी जॉब लाइफ में दिए हो। जब आपको एक मीठा सा वो एहसास हुआ होगा किसी खास इंसान को देखकर, मानो जिंदगी ठहर सी गई हो, पर ये एहसास कभी कभी कश्मकश में डाल सकता है अगर ये दो अलग अलग हुस्नों को देखकर होने लगे। पेश करता हूँ शायद दो कुर्सियां भी इसीलिए वो जिंदगी के उस मोड़ पर एक हम सफर की तलाश है, उसको मेरे से मोहब्बत होगी या इश्क उसका मुझे पनाह कर देगा ये समझ नहीं आता, किससे करूं इश्क ये समझ नहीं आता, वो परी जिसके दीदार को तरसती हैं आंखें या वो दिलरुबा जिसकी जुबान पर सिर्फ मेरी है बातें, किसकी पकड़ू कलाई ये समझ नहीं आता, वो जो आंखों के सामने चार चांद लगा देती है या फिर वो जो खुद चांदनी है, किसका हो जाऊं समझ नहीं आता, वो जो शिकायतें भी प्यार से करती है। इस पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, बोलते हैं इंसान इश्क में बावला हो जाता है, और हम अपने चाहने वाले की हमें खूबियां तो खूबियां लगती ही हैं, उसकी खामियां भी खूबसूरत लगने लगती हैं। आपको डेंजर से आपको पता है, आपको पता है, मजाक से पता है, किसका हो जाऊं समझ नहीं आता, वो जो शिकायतें भी प्यार से करती है या वो जैसी शिकायतों में भी प्यार छिपा है, किसके हवाले करूंगी हमारा दिल समझ नहीं आता, वो जिसे देखकर ऐसा लगा कि मानो बरसों की पहचान है या किसे देखकर पहचान बनाने का मन में ख्याल आया,
किसका हमदर्द बन जाऊं ये समझ नहीं आता। वो जो रोज रात ख्वाबों में आती है या फिर वो जो हकीकत में भी ख्वाब सा लगती है, किससे करूं चुप चुप कर मुलाकातें समझ नहीं आता। अरे काफी लोग हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं बातें सुनकर, शायद आप सबने भी कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पर घर वालों से चुप कर उनसे या फोन पर बात की होंगी या चुप चुप कर मुलाकातें भी की होंगी। शादी होगी किससे करूं चुप चुप कर मुलाकातें समझ नहीं आता। जिसके लिए मधुशी में मैंने कभी तो बादल बढ़ से गाया था या जिसने मुझे व्हाट्सएप पर जेनेसी सुनाया था, वो जिंदगी के उस दौर पर मैं एक हम सफर की तलाश है, उसको मेरे से मोहब्बत होगी या उसका इश्क मुझे बना कर देगा ये समझ नहीं आता।